पूर्व सांसद शरद यादव ने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए नरेंद्र मोदी पर कई सारे आरोप लगाए। आइए सुनिए शरद यादव ने क्या कुछ कहा। ये झटकों की सरकार जाएगी, पूरा देश किसान कमा कमा, इतनी धूप में लोग भारी संख्या में, इसका क्या मानना, इसलिए उनको जाना है। देश का संविधान, देश के नौजवान, किसान, दुकानदार, हर तरह की दिक्कत, सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर जहाँ 72% वोट हुआ था जी, वहाँ फारूक अब्दुल्ला ले तो 6-7% आज ये ना कि अंधेर घर भी पूरे देश में है, और यहाँ तो है 11 करोड़ लोगों ने जिनको विश्वास दिया था उसे छोड़ के, हाँ जिनको अपोजिशन में बैठना था विरोध में बैठने को दिया था उनके साथ जाकर मिल गए, यानी ये सरकार ही नैतिक सरकार नहीं, अनैतिक सरकार है। सर आखिर परेशान